नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने मैथ्स को काफी अच्छी तरीके से समझा है और उसी का आज उनको परिणाम मिला है। इसे सेकेंड ग्रेड 2022 की परीक्षा में 32वीं रैंक से चयनित होकर। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ श्रवण स्वामी की, जिन्होंने अभी जो सेकेंड ग्रेड 2022 की परीक्षा है उसमें 32वीं रैंक से इन्होंने अपना चयन सुनिश्चित किया है और फाइनल लिस्ट में इन्होंने बढ़िया 32वीं रैंक हासिल की है। और साथ में दोस्तों, इन्होंने जो पढ़ाई का अपना जो मतलब रेगुलरिटी का जो किया था तो वो एक अलग ही लेवल पर था। तो आज मैं आपको इनसे परिचय करवाना चाहूंगा। शरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संकल्प क्लासेस MSP के धन्यवाद। इस चैनल पर। तो आप बच्चों को अपना परिचय बताइए कि आप कहाँ से हो, कहाँ पर आपका जो एकेडमिक है या आपका जीवन बीता है। मैं सर डीडवाना के बिलोंग करता हूँ, नागौर जिले से, जी और मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। सरकारी स्कूल में मेरा अध्यापन हुआ है। जी उसके बाद में मैंने बांगड़ कॉलेज डीडवाना में मैंने अपनी कॉलेज की, उसके बाद में मैंने बीएड की। मेरी शिक्षा सामान्य रूप से हुई थी। 2018 में मैं पावर हाउस में सेलेक्ट हो गया था और उसके बाद में कंटिन्यूस में जॉब में हूँ। तो अभी फिर जैसे जॉब के साथ पढ़ाई करने का जैसे एक डिफिकल्ट रहता है, तो इसके रिगार्डिंग आपने कैसे मैनेज किया, क्या क्या रणनीति अपनाई आपने तैयारी से रिगार्डिंग, तो वो आप थोड़ा डिस्क्राइब करके बताएं बच्चों को ताकि आपसे लाभान्वित हो। क्योंकि कई बार बच्चे किसी जॉब में आ जाते हैं या मान लो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं तो फिर उनसे वो तैयारी का जो समय है वो मैनेज नहीं हो पाता। तो इसके रिगार्डिंग आप बच्चों को बहुत ज्यादा बता सकते हो कि किस टाइप से आपने स्टडी को मैनेज किया, तो इसकी एक पूरी रणनीति बता सकते हो आप। सर मैं जब 2019 में पावर हाउस फरवरी में ज्वाइन कर चुका था तो 4 साल तक मैं समझो स्टडी से बहुत दूर रह चुका था। मेरे जी को तो एक वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई सिलेक्शन लेंगे कैसे। फिर मैंने क्या कि सर आपका ही वीडियो देखा यूट्यूब पे, जिसमें आपने बुक्स का बताया था, हनी बंसल सर का देखा जिन्होंने SR सैनी के बारे में बताया था। तब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस लगा कि अपन इन बुक्स को पढ़कर कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो जी फिर मैंने 3 महीने तो घर पे तैयारी की, आपका कोर्स लिया, उसमें बेसिक से शुरुआत की। तब मेरा वहीं से वो फाउंडेशन हुआ। उसके बाद में मैं SR सैनिक और पढ़ता गया यार। और रियलिटी यही है कि मैंने आपकी बुक के अलावा ग्रेजुएशन में कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके अलावा मैंने देख लो कहीं से एक पेज भी नहीं पढ़ा, उससे ही मेरा सिलेक्शन हो गया। और रणनीति से रिगार्डिंग आपने SR सैनी और जो ग्रेजुएशन की बुक है उसको पढ़ा, तो उस बुक में आपने क्या जैसे चीजें की, जैसे मान लो नोट्स वगैरह बनाए या फिर आपने जो से ओरिजिनल बुक है उसको पढ़ा या उससे कुछ समराइज करके कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए, किस टाइप से आपने बुक को पढ़ा ये भी बताए बच्चों को, क्योंकि कई बार क्या होते हैं सर बच्चे। हाँ उस बुक में सर जितने क्वेश्चन के आंसर थे वो तो थे, उसके हाँ अलावा जो मैं निकाल पा रहा था मैंने उस बुक में शॉर्ट रूप से उसी में लिख लिया। बुक में ही जी अलग से मेरे को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और उस बुक में जो क्वेश्चन थे वो मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन अलग थे, प्रैक्टिस के लिए अलग थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अलग थे, शॉर्ट ट्रिक अलग थी। सबसे अच्छी तो सर शॉर्ट ट्रिक थी जो मेरे 2 से 3 क्वेश्चन में मैंने अप्लाई की ग्रेजुएशन वाली में। एक तो जैसे ग्रुप की कोटि, ग्रुप के जनक, बेलन के जो समीकरण निकालने होते हैं ग्रेजुएशन वाले, उनमें सर 5 5 मिनट समय लग जाता है, लेकिन आपकी ट्रिक से मैंने 1 मिनट के अंदर वो टिक कर दिया कि ये इसका आंसर होगा, और वही मेरी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रयासों को सराह रहे हो। और कुल मिला के ये है कि बुक जो होती है उसको एक समझने की भी एक बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है, तो आपने उसको अपनाया तभी आप इतनी अच्छी रैंक तक पहुंच पाए हो। और अब कुछ ऐसा है कि आपके जो जीवन में आपके जो योगदान में बहुत सारे लोगों का श्रेय होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का जो मतलब पूरा परिवेश होता है उसमें उसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप के जैसे जो योगदान करने में मान लो आपके भाई या आपके पिताजी, जिनका आपको लगता है कि भाई उन्होंने मुझे बहुत, पिताजी माताजी का तो ऑब्वियस होता ही है, उनके अलावा आपके कोई जो सिलेक्शन के रिगार्डिंग या आपके जीवन में बहुत अच्छा योगदान है, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा बता सकते हो।
सिलेक्शन में माता पिता का तो दायित्व तो सबसे अधिक होता ही है, बिल्कुल और सबसे अधिक यह है कि हम किन टीचर से पढ़ रहे हैं। टीचर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि वो समय समय पर हमें गाइड करते रहते हैं। और कुछ मेरे फ्रेंड है, जैसे उत्तम जी राखे चाय, वो अभी उप प्रिंसिपल है, जी राजेश जी वैष्णव है, वो भी मेरे अच्छे मित्र है, वो भी अभी टीचर है। तो जी उन्होंने, मैं तैयारी पे बैठा तो उन्होंने कह दिया कि आपका सिलेक्शन 100% है, बस आपको तो पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। और सर, व्यक्ति के अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण था वो आपकी टेस्ट सीरीज थी। सर, मैं ये धन्यवाद। कहना चाहता हूँ कि जब मैंने आपके टॉपिक वाइज टेस्ट दिए तो मेरे को ये अनुभव हो गया कि मेरे कहाँ कमी रह रही है, किस टॉपिक में मैं एकदम मजबूत हूँ और किस टॉपिक में मैं फिसल रहा हूँ। जिन टॉपिकों में मेरे को कमी लगी मैंने उन्हीं पे ज्यादा ध्यान दिया। फिर मैंने आपके वो कंप्लीट टेस्ट, जो नो टेस्ट थे, मुझे एक एक टेस्ट याद है सर कि मेरे पहले टेस्ट में कितने नंबर आए, दूसरे में कितने नंबर आए। मैंने एक एक टेस्ट का ऑब्जर्वेशन किया। पहले टेस्ट में जैसे मेरे पास टाइम कम पड़ गया सर, 2 से 3 क्वेश्चन रह गए। दूसरे टेस्ट में मैंने टाइम पूरा मैनेज कर लिया, लेकिन जब मैं 9वें टेस्ट में आया आपके टेस्ट सीरीज में, तो मैंने आधे घंटे पहले पेपर कर लिया था। ये मेरे उसमें फाइनल एग्जाम ही हुआ, मैंने 30 मिनट पहले पेपर कर लिया था, मैंने 2 से 3 बार पढ़ लिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, आप बिल्कुल टेस्ट नहीं बिल्कुल दोगे उसके अगर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब आपका जो आपने बताया कि आधे घंटे पहले पेपर कर लिया था, इससे मुझे मेरे जो मतलब मैंने तैयारी की थी वो दिन याद आ गए कि ऐसा ही सेम आपका जो मतलब पेपर करने के प्रति जो अपना जो इंटेंशन होता है वही इंटेंशन मेरा भी था। तो होपफुली आप और भी आगे जैसे इसके तरह रिकॉर्ड तोड़ते जाओगे, आगे बढ़ोगे, यही हमें आशा है। और कुल मिला के हमें खुद कम्पीट करना चाहिए खुद से। आपने ये कहा ना कि पहले पेपर में मेरे इतने हुए, फिर दूसरे में मैंने इम्प्रूव करता गया, तो आदमी को खुद से कंपटीशन रखना चाहिए। ये चीज आप में स्पेशल है जो लगा मुझे कि ये चीज आदमी को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होती है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी चीजें आपने बच्चों को बताई। अब कुछ आपने डेली कितने घंटे पढ़े इसके बारे में भी अब जो बच्चों को है आप बताइए कि कितना घंटे जीके को मैनेज किया, कितने घंटे मैथ को मैनेज किया, क्या क्या चीजें आपने जीके के लिए पढ़ी, मैथ के लिए पढ़ी, कंबाइंड बता सकते हो आप। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले क्या कि जैसे अपन सुबह उठते हैं, 6 बजे उठे, 5 बजे उठे, 7 बजे उठे, किसी का भी टाइमिंग होता है। तो सबसे पहले सर मैं जीके पढ़ता था, क्योंकि मैथ तो मैथ वालों का इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, हाँ उसमें उतनी थकान नहीं होती है। तो मैं सुबह उठते ही जीके से स्टार्ट करता था। मैं सुबह 7 से लगाकर 10 बजे तक 3 घंटे जीके की स्टडी करता था। फिर 10 बजे खाना खा लेता था, फिर वापस 11 से लगाकर 12:30 तक साइकोलॉजी, शिक्षण विधियां ये पढ़ लेता था। फिर मैं 1 घंटे रेस्ट कर लेता था। फिर 2 से लगाकर और रात को 1:30 बजे तक मैं मैथ पढ़ता था, जिसमें मतलब कि आपकी बुक्स का मैंने बार बार रिवाइज किया, और हनी बंसल सर ने बताया था कि वो SR से नहीं है, उसका मैंने बार बार रिवाइज किया। तो ये आपको वाली बुक मैंने कुल मिला के 9 बार पढ़ी है सर। 9 बार, क्या बात है। आप वाली बुक 9 बार पढ़ते ही मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि इस बुक से अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मेरे को उसको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा बाय ऑप्शन कर सकता हूँ। और वही मेरे साथ हुआ, क्वेश्चन देखता गया कि हाँ ये तो बुक से आया हुआ है, मैंने सीधा बाय ऑप्शन टिक करता गया, मेरे को मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बल्कि सर पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम को मतलब कि कवर करने वाला था, अगर अपन क्वेश्चन मिलाते तो ज्यादा टाइम लगता, लेकिन आपकी बुक से वो है जैसे जैसे आ गए, कई के तो ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए, उसका मेरे को बहुत बेनिफिट हो गया। तो इस कुल मिला के मैं 10 से 13 घंटे तक स्टडी करता था, कभी भी 10 घंटे से कम नहीं रहा। हाँ, कोई सोमे से एक दिन बीमार हो गए वो अलग बात है, लेकिन लगभग 10 से 13 घंटे तक मेरी स्टडी का टाइम था। अभी आपने बताया कि 10 से 13 घंटे, तो ये लगभग आपने कितने महीने तक लगातार ऐसा रूटीन बनाए रखा? मैंने तो सर केवल 8 महीने पढ़ाई की है। 8 महीने, तो टोटल 800, 8 महीने 30 से गुणा करें 240, 2400 घंटे हो गए। कुल मिला के 2400 घंटे आपने पढ़ा है मैथ्स को और जीके को। उसका आपको बिल्कुल आज ये चीज है कि एज ए रिजल्ट बहुत अच्छा आपको उसका परिणाम मिला है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो मानता हूं कि एक पहली भर्ती में आपने 32वीं रैंक तक आप पहुंच गए, तो ये मायने रखता है आपका एक सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेशन। और इसी के अलावा और कुछ बच्चों को आप कुछ बताना चाहें? मैं तो सर सभी स्टूडेंट को यही बताना चाहूंगा कि आपको पढ़ना है तो आप नकुल सर का ऐप ले लीजिए, उसमें आप 0 से स्टार्ट करिए। ये धीमे धीमे आपको मतलब कि 0 से हीरो बना देंगे। स्टार्टिंग में आपको बेसिक बताएंगे, उस बेसिक के आधार पे आप कुछ भी मिला सकते हो, आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे ज्यादा सिर्फ आपने सर, आपने हेल्प मेरी एग्जाम टाइम में की थी। मैं ये कह रहा था कि आपने सब एग्जाम टाइम में आप
क्वेश्चन मैंने आपको भेजे व्हाट्सएप पे, आपने उनके उत्तर भेजे समय निकाल कर, वो मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात थी। मेरे में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि जब मेरे टीचर मेरे लिए इतने समर्पित है, अपना समय निकाल के मेरे लिए व्हाट्सएप पे आंसर भेज रहे हैं, तो मैं सिलेक्शन क्यों नहीं ले सकता। तब सबसे ज्यादा प्रेरणादायक तो आप ही थे, आपसे मेरे को प्रेरणा मिली। और हनी बंसल सर, जब ये 11th 12th तक तो आदमी कवर कर लेता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब मैथमेटिक्स से पढ़े हुए, बीएड किए हुए, बीएससी किए हुए। लेकिन सबसे बड़ी सर दिक्कत आती है कॉलेज वाले में। कॉलेज वाले में जीरो कॉन्फिडेंस था कि कॉलेज वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मेरे 0 नंबर आएंगे, मेरे को तो एक क्वेश्चन की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब मैंने आपकी बुक पढ़ी, आपका कोर्स पढ़ा, ट्रिक देखी, ट्रिक का रिव्यू किया खुद ही कि ये ट्रिक सभी क्वेश्चनों में अप्लाई होती है नहीं होती है, सब में अप्लाई हो गई, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि कॉलेज। अब मेरे को फिर एग्जाम टाइम में लगने लग गया कि मैं कॉलेज में आगे निकल रहा हूँ, 11th 12th में निकल रहा हूँ। वो सर आपकी वजह से ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये मानता हूँ कि आप अपने जो सब्जेक्ट के प्रति ज़्यादा सीरियस थे, तो उसी का आपको अच्छा परिणाम मिला है। एज ए टीचर पढ़ाते हैं, हम सभी को पढ़ाते हैं, तो वही है कि आपने अच्छा ग्रैब किया, तो उसका आपको परिणाम मिला है। और होपफुली आप आगे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें आगे और भी अच्छे बढ़िया तरीके से आप इसी तरीके से अच्छी रैंक लाते रहें और आगे मुकाम हासिल करते रहें। और बच्चों को अभी आप कुछ और भी बताना चाहो तो बता सकते हो, या कुछ एक बिल्कुल सर, लास्ट एग्जाम के कुछ मतलब मूल मंत्र जो आपने लास्ट के 10 दिनों में या 15 दिनों में अप्लाई किया वो भी बता सकते हो आप। सर मैंने आपको याद होगा मैंने 15 दिन पहले आपको फोन किया था, 10 से 15 दिन पहले, और मैंने आपसे पूछा था कि सर अब मेरा एग्जाम टाइम है, अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो आपने कहा कि आप जितना हो सके नया तो पढ़ो मत, केवल रिवाइज करो। तो लास्ट के 15 दिन में मेरा जितना पढ़ा हुआ था मैंने उसका बार बार रिवाइज किया, बिल्कुल नया तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आपके जो मूल मंत्र आपने बताया था मैं वही बता रहा हूँ कि लास्ट के 10 से 15 दिन में अपने को केवल रिवाइज ही करना चाहिए, और ऐसे बड़े हेडेक नहीं लेनी चाहिए, एक बर्डन नहीं लेना चाहिए कि भाई अब एग्जाम टाइम है, अब ये टॉपिक छूट गया वो छूट गया, क्योंकि अपन 10 दिनों में कोई नया टॉपिक कवर नहीं कर सकते। पुराने वाला जितना रिवाइज करेंगे वही अपने लिए अच्छा रहेगा, वो अपने को कॉन्फिडेंस भी देगा। नया वाला अगर अपने टॉपिक समझ में नहीं आया तो अपना वो कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लास्ट के 10 से 15 दिन है, आप जितना हो सके उसका रिवाइज करते जाओ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि भी लास्ट के जो 10-15 दिन होते हैं तो नई चीज याद करने के लिए कम से कम 4 बार रिवीजन होना चाहिए, और वो अगर नहीं हो पाता तो उससे फिर हमें वो टॉपिक देखना ही नहीं चाहिए, बाकी सारे कर लेने चाहिए। और एक आपने कॉन्फिडेंस की भी बात बहुत अच्छी कही कि खुद पर कॉन्फिडेंस रखें, कुछ एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो उनके लिए अपने को कॉन्फिडेंस तभी आता है जब प्रैक्टिस लगातार इतने आपने 10 महीने की, तो वही बात है कि रेगुलरिटी हर चीज की जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बच्चों को बहुत अच्छा अपने जो स्टडी से रिगार्डिंग जो चीजें आपने अप्लाई की वो बताई, तो बच्चों को बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। और आपको वापस बहुत बहुत शुभकामनाएं, अब आपको जल्दी आपके घर के पास पोस्टिंग मिले ऐसी कामना है। और फिर कभी अभी एक प्रोग्राम रखने का विचार है 4 अक्टूबर को सीकर में, जी सिंह जी सर वहाँ चीफ गेस्ट आएंगे, तो आप स्पेशली इनवाइटेड हो वहाँ, तो आना। और वहाँ पर आपके लिए एक सम्मान समारोह रखा जाएगा, जितने भी चयनित है उन सब के लिए एक सम्मान समारोह है जो हमसे किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद, और आगे यही YouTube पर मिलते रहेंगे, और 4 अक्टूबर को तो मिलेंगे मिलेंगे।